दोस्तों आज की वीडियो में आपको दूंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज की वीडियो में आपको ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन के बारे में बतानी है और इसकी ओपनिंग फ्रंट में है। और देखिए डिजाइन डालने के लिए मैंने ये लेस ली है और कुछ मैंने ये इस तरह की पट्टी बनाई है और इसकी डोरी भी बनाई है। और उससे पहले मैं आपको ब्लाउज का साइज बता देती हूँ और डिजाइन कट कर लेते हैं, बाद में इन सबको लगा के हम इसकी डिजाइन देंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं ब्लाउज लाइनिंग दोनों चीज कट कर ली है, तो ब्लाउज को साइड में रख देती हूँ और जो हमारा अस्तर है इस पर मैं डिजाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो देखिए जो ब्लाउज है इसकी लंबाई मैंने 15 इंच ली है विथ मार्जिन, तैयार में 14 इंच आएगा। और इसके मुड्डे मैंने 5.5 इंच लिए हैं और इसके शोल्डर 6 इंच लिए हैं। और जो ये साइज है ये हमारा 42 का साइज है, तो 2 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। और अभी आपको नेक डिजाइन के बारे में बता रही हूँ और ये मैं डीप में बना रही हूँ। और देखिए शोल्डर से 2.5 इंच ले रही हूँ। तो देखिए मैंने ये 11.5 इंच लिया है, तैयार में 11 इंच आएगा नेक, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने एक बॉक्स बना लिया है और अभी मैं इसमें डिजाइन ड्रॉ करती हूँ। शोल्डर से सेम रहेगा, नीचे से थोड़ा सा ब्रॉड कर लेंगे। देखिए ये इस तरह से आएगा, ऊपर से सेम रहेगा शोल्डर से, नीचे से हमने यहाँ पर 1 इंच के आसपास ब्रॉड कर दिया है। और अभी सेम ड्राफ्ट इसको कट कर लेंगे। अभी इसी ड्राफ्ट को रख के मैं कैनवास कट कर लूंगी, डायरेक्ट कैनवास लगा के हम इसको पलट देंगे। तो देखिए मैंने कैनवास को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है और सेम ड्राफ्ट मैंने रख दिया है, इसकी चौड़ाई 1 इंच ले लेंगे। तो देखिए कैनवास मैंने कट कर लिया है और अभी आपको इसका ब्लाउज को सिलने का तरीका बताती हूँ कि नेक की फिनिशिंग हम किस तरह से देंगे। देखिए ब्लाउज को इस तरह से हमने सीधा रख लिया है। इसके बाद जो हमारा ये अस्तर है इसका ड्राफ्ट इसके ऊपर रख लेते हैं। इसके बाद जो हमने कैनवास कट किया है इसको ड्राफ्ट को भी इसके ऊपर रख लेते हैं। अभी हम यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक इसको स्टिच कर देंगे और नेक को कट करके फिर इसको पलट के चारों तरफ से इसकी फिनिशिंग दे देंगे लाइनिंग के साथ। और बाद में फिर हम नीचे जैसे प्लेट डालते हैं प्लेट डाल लेंगे। और उसके बाद जो मैंने ये बेल्ट बनाई है, जो पट्टी है मैंने डोरी की, इसको किस तरह से लगाना है, कैसे डिजाइन देनी है और इसको लेस को भी लगाऊंगी वो आपको बताती हूँ। तो देखिए जैसे मैंने बताया था वैसे स्टिच कर लिया, नीचे सीधा ब्लाउज रखा है, उसके ऊपर मैंने अस्तर रखा है और उसके ऊपर ये कैनवास रखा है और पूरा नेक में मैंने स्टिच कर दिया है। और देखिए मैंने इसमें डोरी डाली है, तो शोल्डर से 3 इंच ले लिया है और 3 इंच पे मैंने इसमें डोरी अटैच कर दी है लाइनिंग के नीचे से निकाल के इस तरह से। और अभी नेक को कट कर देते हैं फिर इसकी फिनिशिंग देते हैं। तो देखिए मैंने इसको कट कर दिया नेक को और अभी इसको पलट के इसकी फिनिशिंग दे देते हैं। देखिए यहाँ से लेके पूरा इसको मैं नेक को और आर्म होल कमर पूरा स्ट्रेच कर देती हूँ लाइनिंग के साथ में। तो देखिए मैंने नेक की फिनिशिंग दे दी है, इसको लाइनिंग के साथ अटैच कर दिया है। प्लेट डालते हैं, वैसे मैंने प्लेट डाल दी है। अभी मैं यहाँ पर डिजाइन देने वाली हूँ, तो यहाँ पर सेंटर जो पार्ट है यहाँ पे हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और इसके बाद हम यहाँ से 1.5 इंच इस साइड में लेंगे, 1.5 इस साइड में लेंगे, टोटल हमारा 3 इंच हो जाएगा। और यहाँ पर भी इसी तरह से हम मार्किंग कर लेते हैं। देखिए मार्किंग हमने कर ली है और ये हमने जो डोरी बनाई थी उसके मैंने ये पीस कट कर लिए हैं, आपको साइज बता देती हूँ। देखिए 2 इंच के आसपास इसकी मैंने लंबाई ली है पीस की। और इन पीसों को हम यहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच करेंगे, ऊपर का पार्ट छोड़ देंगे। यहाँ पे 1 इंच के आसपास छोड़ने के बाद यहाँ पर हम इनको स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग डालना। तो ये मैं 4 पीस लगा देती हूँ और सेम इसी तरह इस साइड में भी लगा दूंगी। तो देखिए मैंने दोनों साइडों में इस तरह से ये पट्टी अटैच कर दी है। और देखिए एक मैंने ये चौड़ी वाली लेस ली थी और एक थोड़ी पतली वाली है, दो लेस ली है मैंने। तो जो पतली वाली लेस है हम यहाँ पे नेक में इसको
पूरे नेक में यहाँ से लेके यहाँ तक अटैच कर देंगे। और जो ये सेकंड वाली लेस आएगी इसको हम थोड़ा पार्ट छोड़ के यहाँ पे लेस लग जाएगी, उतना ही पार्ट यहाँ पे छोड़ देंगे हाफ इंच का मार्जिन। और फिर इस लेस को हम यहाँ से इस तरह से लेते हुए और जो हमारी ये पट्टी है इनकी फिनिशिंग देते हुए यहाँ तक हम अटैच कर देंगे। और जैसे नॉर्मल कमर में फिनिशिंग देते हैं उस तरह फिनिशिंग देते हैं। फिर इनमें से हम डोरी निकालेंगे। तो सबसे पहले पतली वाली लेस लगा लेते हैं। देखिए एक लेस मैंने पूरे नेक तक अटैच कर दिए और जैसे मैंने बताया था यहाँ पे मैं थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ पे इस तरह से और पूरे यहाँ तक कमर तक मैं स्टिच कर दूंगी। यहाँ पे नहीं लगाऊंगी, खाली जो डिजाइन है यहाँ तक करेंगे। तो देखिए ये लेस मैंने दोनों साइडों में अटैच कर दी है और बाद में यहाँ पे हम नॉर्मल जैसे फिनिशिंग देते हैं फिनिशिंग दे देंगे। और देखिए जो हमने ये डोरी बनाई थी एक और, इस डोरी को हम यहाँ से इसमें अटैच करेंगे। ये जो हमने लूप बनाया है यहाँ से इस तरह से निकाल देंगे दोनों साइडों से, एक बार ऊपर से लेंगे और डोरी को बराबर से हमने सेट कर लिया है। अभी इस साइड की डोरी को हम इस साइड से निकालेंगे और देखिए जो हमारी इस साइड की डोरी है तो यहाँ से निकाल देंगे। इसी तरह मैं पूरा निकाल देती हूँ और बाद में यहाँ पर जब निकल जाने के बाद कोने पे आप कोई भी लटकन बना के लगा सकते हैं इसमें, जिससे कि इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। देखिए जो ये डोरी है मैंने इस तरह से यहाँ तक अटैच कर दिए और ये मैंने कपड़े के इस तरह के टसन लगा दिए और यहाँ पे आप इस तरह से हमें गांठ मार सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारी सिर्फ शो के लिए है, यहाँ पे जो डिजाइन है उसके लिए। और आप इसको खुला रखना चाहें तो खुला भी रख सकते हैं। तो अब देख सकते हैं कि हमने डबल लेस लगाई है, कितना सुंदर लग रहा है, सिंपल है लेकिन अच्छा है। और देखिए इसी ब्लाउज के मैंने ये लटकन बनाए और इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप वो भी देख लें, जिससे कि आपका पूरा ब्लाउज डिजाइनर बन सके। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।